हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्कोप और काइंड्स पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव के। हमने इनको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, फिर इनोवेशन ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव, फिजिकल रिसोर्स ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिर आपका प्रोडक्टिविटी, फिर आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्टिव एंड लास्ट वन है आपका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। स्टार्ट करते हैं, हम एक एक करके सभी का डिटेल पढ़ते हैं। होता क्या है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव? मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के होता क्या है कि आप एक कंपनी का उद्देश्य ये होता है कि आप कस्टमर को कैसे बनाते हो, कैसे कस्टमर बनाते हो अपनी संस्था के, कैसे उनको सेटिस्फाइड करवाते हो, उनमें आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव में। सबसे पहले आपको एनालाइज करना पड़ता है कि कस्टमर की डिजायर क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी नीड्स क्या है। फिर आपको देखना पड़ता है कि आपके नए बाजार कितने हैं, उनका एनालाइज करो, उनका स्टडी करना है, कौन से चैनल से आप अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूज करते हो, कौन से आप अपने सेवाएं देते हो, कौन से आप अपने स्टैंडर्ड फिक्स करते हो, किस तरह से आप अपनी मार्केटिंग को एग्जीक्यूट करवाते हो, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव में आते हैं। देन हम आते हैं इनोवेशन ऑब्जेक्टिव। इनोवेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आप अपनी कंपनी में किस तरह से नव प्रवर्तन लाते हो। इस उद्देश्य को निर्धारित करके यह तय किया जा सकता है कि किसी संस्था में भावी स्वरूप क्या होगा, यानी कि आप फ्यूचर में किस तरह से अपने उद्देश्यों का निर्धारित करना चाहोगे। इसमें सबसे पहले हम अपने उत्पाद या जिस भी हम अपने डिजाइन, रंग, आपकी उसका फॉर्म, उसकी क्वालिटी, किस तरह से हम अपनी इनोवेशन लाएंगे, या फिर आपके इनोवेशन के ऑब्जेक्ट में हम अपने सामाजिक सोशल इनोवेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, मैनेजरियल इनोवेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि मानव संसाधन प्रत्येक व्यावसायिक संस्था की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके किसी भी ह्यूमन बींग के अलावा हम कभी भी कंपनी या फिर बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इससे हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि हमारी सप्लाई, हमारा विकास, सारा कुछ, सारा ध्यान हमारे ह्यूमन रिसोर्स पर ज्यादा देना चाहिए। जब तक हमारे ह्यूमन रिसोर्स के संदर्भ में हमारे उद्देश्य निर्धारित नहीं किए जाएंगे, तब तक हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है आपका फिजिकल रिसोर्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि भौतिक संसाधन के उद्देश्य। पीटर ड्रकर के अकॉर्डिंग भूमि जो है उसको सबसे पहला, लैंड जो है वो सबसे पहला फिजिकल रिसोर्स माना गया है। उसके अनुसार हमारा कच्चा माल, कारखाने कहाँ लगाने हैं, कारखाने के लिए हमारे पास लैंड कहाँ है, मशीनरी कहाँ है, इक्विपमेंट्स कहाँ है, उन सब से रिलेटेड हमको ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है। फिर आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि आप कहाँ कहाँ से पैसा, कैपिटल लाते हो, कहाँ कहाँ से पूंजी एकत्रित करते हो, क्योंकि पूंजी को व्यवसाय का ब्लड मानते हैं, जीवन रक्त मानते हैं, जीवन दान मानते हैं। अगर किसी संस्था को अपने लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को आकर्षित करना है, तो उसके लिए उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज में मजबूती लानी होगी, और बिना फाइनेंशियल रिसोर्सेज हम किसी भी पूंजी को आकर्षित नहीं कर सकते। फिर है आपका प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है, हम सब जानते हैं कि मानव और भौतिक एवं वित्तीय संसाधन आकर्षित करना ही संस्था के लिए सफल नहीं माना जाता है। जब तक हम कुछ प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब तक हम बेच नहीं पाएंगे। फिर है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि एक मार्केट जो है वो सोशल सोसाइटी में स्टैब्लिश है, तो इसके लिए हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व के प्रति हमेशा सजग रहना है। हम अपने विभिन्न वर्गों, जैसे ग्राहक, इन्वेस्टर, आपके एम्प्लॉयज, फिर आपका कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटिटर है उनको, इन सबके रिलेटेड भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है। एंड लास्ट है आपका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आप एक कंपनी में किस तरह से लाभ कमाते हो, आप अपनी कॉस्ट को कैसे कम करते हो और अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमम करते हो। यहां तक क्लियर है? अब हम चलते हैं मॉडल्स एंड प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। मॉडल्स को हमने, प्रोसेस को हमने टाइम टू टाइम हमने परिवर्तित करना चाहा है। हर कोई जो मैनेजमेंट, हर कोई आपके इकोनॉमिस्ट आता है, हर किसी ऑथर ने यही कहा है कि आपको समय के अनुसार आपकी प्रक्रिया को परिवर्तित करना चाहिए। इसलिए मॉडल्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है आपका ट्रेडिशनल, सेकेंड वे आपका मॉडर्न।
ट्रेडिशनल का मतलब यह होता है कि संस्था के ट्रेडिशनल मॉडल के अंतर्गत संस्था के सर्वोच्च जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है वो संस्था के समग्र उद्देश्य का निर्धारण करते हैं और वे उनके निकटतम जो भी एम्प्लॉयज और जो भी मिडिल वर्ग और आपके जो भी ये लोअर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं उन सबको उन उद्देश्यों से अवगत करवाता है। उसके बाद जो उद्देश्य निर्धारित कर दिए जाते हैं वो डिपार्टमेंटल मैनेजर को भी अपने सब डिपार्टमेंटल को बताए जाने चाहिए, उन्हीं को भी उनको भी पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी में क्या क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए और उन उद्देश्यों को हम किस किस तरह से अपने कर्मचारियों तक पहुंचा सकते हैं। इसके भी कुछ लाभ और कुछ हानियां हैं। लाभ जैसे क्या हो सकते हैं ट्रेडिशनल के, कि ट्रेडिशनल अगर हमने यूज किया है तो हमारे जो भी संसाधन है हम उनका विवेकपूर्ण निर्धारण कर सकते हैं, ये प्रक्रिया सरल है, इसकी वजह से हमारा टाइम, हमारा लेबर और हमारी मनी इन सब की हम बचत कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मॉडल के इम्पोर्टेंस दे रखे हैं तो डिसएडवांटेज तो साथ में दे ही रखे होंगे। डिसएडवांटेज में सबसे पहला ये है कि हमेशा ये उच्च अधिकारी जो होते हैं वो एम्प्लॉयज पर अपने द्वारा उद्देश्य थोपे जाते हैं। फिर दे रखा है कि यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स बहुत कम होता है। फिर दे रखा है यहाँ पर कि इस प्रक्रिया में जो उद्देश्य निर्धारित करने होते हैं वो जरूरी नहीं है कि हमेशा संस्था के लिए ही उद्देश्य निर्धारित किए जाएं, बल्कि जो हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके हिसाब से हमारे ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं मॉडल, मॉडर्न मॉडल। मॉडर्न मॉडल में सबसे पहले MBO, जो हमने स्टार्टिंग में MBO ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करे थे तब हमने स्टार्टिंग में बताया था कि MBO करके एक मॉडल है जिसका फुल फॉर्म है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको हम मैनेजमेंट बाय रिजल्ट, गोल मैनेजमेंट, प्लानिंग बाय ऑब्जेक्टिव के नामों से भी बुला सकते हैं। प्रबंध की वह प्रणाली है, MBO होता क्या है सुनिए, प्रबंध की वह प्रणाली है जिसमें संस्था के उद्देश्यों को अधिकारियों एवं अधीनस्थों द्वारा सामूहिक प्रयासों से निर्धारित किया जाता है, तत्पश्चात उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों की प्रगति का सामूहिक किया जाता है तथा प्रगति के अनुसार ही पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। यानी कि मैनेजमेंट बाय द ऑब्जेक्टिव इज द रिगार्डेड एज द सिस्टम फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बोथ आर इंडिविजुअल मैनेजर एंड द एंटरप्राइजेज एज अ होल बाय द सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव एट द कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल मैनेजर लेवल्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप एक स्व उद्देश्य प्रबंध यानी MBO का मतलब ये होता है कि एक वह प्रणाली है जिसमें एक इंस्टीट्यूशन अपने ऑब्जेक्ट को अपने जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है और जो आपके मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज है उन दोनों के एफर्ट से क्या करता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है और उन ऑब्जेक्टिव को जो उनके एफर्ट से बनाया गया है उनको धीरे धीरे इवेल्युएट करते हुए उनको अपनी प्रगति के अनुसार पारिश्रमिक के अनुसार निर्धारित कर दिए जाते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो लोग काम करते हैं। शॉर्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है कि MBO का मतलब ये होता है कि आपका टॉप लेवल एंड मिडल लेवल एंड लोअर लेवल तीनों लेवल के जो भी मैनेजमेंट है वो तीनों मिलकर साथ में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं और उन ऑब्जेक्टिव को धीरे धीरे हम इवेल्युएट करते हुए हम अपने एम्प्लॉयज को उनके रेमुनरेशन के अकॉर्डिंग उनको काम बांट देते हैं और उनके ऑब्जेक्ट डिसाइड कर देते हैं। चलिए हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है गोल ओरिएंटेड है। MBO का मतलब यही है कि आप अपने कंपनी के सामान्य सिद्धांतों उद्देश्य का निर्धारण करो, तो इसके लिए हम अपने कर्मचारियों के उद्देश्य का निर्धारण करते हैं उप विभाग तथा विभागों आदि का। फिर पार्टिसिपेंट सहभागिता होनी चाहिए। फिर दे रखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द की ऑफ परफॉर्मेंस एरियाज कि आपकी संस्था की सफलता है विकास को प्रभावित करती है, वे इन सब के क्षेत्रों में सामंजस्य कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए सर्वाधिक योगदान देती है। फिर आपका दे रखा है परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पार्टिसिपेट करो उन उद्देश्यों में, बल्कि उसका मतलब ये है कि आप दिन ब दिन उनके कार्यों का निष्पादन परफॉर्मेंस करो और उनका मूल्यांकन भी करो। फिर दे रखा है ऑपरेशनल सिस्टम का मतलब ये होता है कि ये प्रणाली क्रियात्मक है जिसे मापन योग्य हम उनको मेजर कर सकते हैं और उन्हीं उद्देश्यों को हमको ऑपरेट करवाना है। नेक्स्ट है आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम, विकेंद्रीकृत जवाबदेही या अकाउंटिंग अकाउंटेबिलिटी।
डिसेंट्रलाइज मतलब क्या होता है कि प्रत्येक सदस्य अपने कार्यों के लिए स्वयं जवाबदेही होता है, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वो विभाग उपविभाग के कार्यों के लिए प्रमुख का कोई दायित्व नहीं होता है। हर किसी एम्प्लॉय को अगर आपने अपने अधिकार और उत्तरदायित्व बांट दिए तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि जो मैनेजर है, जो हेड है, उनका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है। फिर दे रखा है कंपरेंसिव अप्रोचेस, यानी कि आपकी एक व्यापक विचारधारा है जिसमें आर्थिक और मानवीय दोनों पहलुओं को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट वन है आपका एक सिस्टम अप्रोच है। सिस्टम अप्रोच का मतलब ये होता है कि एक कंपनी किस तरह से काम करती है। कंपनी अपनी समग्र और व्यापक प्रणाली के रूप में प्रबंध को बल देती है तथा इस प्रणाली में प्रत्येक सदस्य को संस्था की उप प्रणाली के रूप में समझा जाता है, यानी कि उस संस्था को साथ में कैसे जोड़कर काम करना है, कैसे उनके व्यक्तिगत उद्देश्यों में कोऑर्डिनेशन बिठाना है और कैसे उनके एक्सटर्नल एनवायरमेंट का सिस्टम बनाना है। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक संस्था के जो एमबीओ जो भी आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो वो उनके भौतिक मानवीय यानी फिजिकल ह्यूमन और आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के बेस पर हमको निर्धारित करना है। फिर है सिंपल टेक्निक्स। सिंपल टेक्निक्स का मतलब ये है कि आप अपने उद्देश्यों का प्रबंध करते हो तो एक सरल और आसान प्रणाली चुने, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की जटिलता की आवश्यकता नहीं है और जटिलता के लिए हमको विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है जो कि एक कंपनी का ज्यादा खर्चा हम एफर्ट नहीं कर सकते। फिर है यूनिवर्सल, ये हर जगह अपनाई जा सकती है चाहे वो छोटा फर्म हो या बड़े फर्म हो। क्लियर है। अब आगे हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं एमबीओ के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वेरिफेबल एंड मेजरेबल। हम वेरीफाई कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव एमबीओ के। एमबीओ को हम मेजर कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। फिर है आपका कम्युनिकेशन, यानी अधीनस्थों और अधिकारियों के बीच में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और सहयोग दे सकते हैं उनको। फिर आपका मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि एक कंपनी के कार्यों का निष्पादन को हम माप सकते हैं और उनके हिसाब से उनका निर्णय ले सकते हैं। फिर है कंपटीशन। कंपटीशन यानी कि अधीनस्थों के बीच में स्वस्थ कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन रखवाया जा सकता है जिसकी वजह से वो प्रोत्साहित होकर और अच्छे से काम कर सकते हैं। फिर है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि आप अपनी कर्मचारियों के प्रत्येक सदस्यों के काम को इवैल्यूएट करो और इवैल्यूएट करने पर उचित पारिश्रमिक तथा उनको पारिश्रमिक प्रदान करें और उनको मोटिवेट करें। फिर दे रखा है कोऑर्डिनेशन, यानी कि कर्मचारी अधीनस्थ और जो आपके अधिकारी हैं उनके बीच में एमबीओ क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बिठाता है। फिर दे रखा है कंट्रोलिंग। एमबीओ के जरिए हम अपने कर्मचारियों के हर कार्यों का मापन कर सकते हैं जिसके जरिए उन पर कंट्रोलिंग बना रह सकता है। धन्यवाद।